क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर इन द रेशियो 4:5:6 प्रूव दैट वन एंगल इज ट्वाइस दैट ऑफ अदर एंगल्स। तो कह रहा है कि किसी ट्रायंगल का जो साइड है ना वो रेशियो है 4:5:6, 4:5:6। तो अपने को दिखाना है कि उसमें जो एक एंगल है वो किसी दूसरे एंगल का डबल है, किसी दूसरे एंगल का डबल है। ठीक है, तो सॉल्यूशन गिवन, देखो क्या दिया हुआ है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल किस रेशियो में। तो साइड्स क्या होता है ट्रायंगल का, ए इज टू बी इज टू सी, ये जो दिया हुआ है वो है 4:5:6। ठीक है, तो ये दिया हुआ है ऐसा। तो हम लोग ना रेशियो क्वांटिटी अगर के मान ले, रेशियो क्वांटिटी के मान ले, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4k आ जाएगा, बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5k आ जाएगा, और सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6k आ जाएगा। तो अपने पास ए बी सी अवेलेबल है। अब इजिली हम लोग क्या करते हैं, अच्छा एक एंगल को दूसरे का डबल दिखाना है, तो ऑब्वियसली सबसे छोटा वाले साइड का सामने का एंगल सबसे छोटा होता है और सबसे बड़ा वाले साइड के सामने का एंगल सबसे बड़ा होता है। तो देखो यहाँ पर सी जो है वो बड़ा साइड है और ए जो है वो छोटा साइड है। तो हम लोग ना, या फिर अगर के रेसिप्रोकल में कुछ आया तो फिर ए सबसे क्या हो जाएगा, बड़ा साइड हो जाएगा, और सी सबसे क्या हो जाएगा, छोटा साइड हो जाएगा। तो हम लोग ए और सी में ही कॉम्परिजन कर लेंगे तो मेरा एंगल बन जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कॉस ए निकालते हैं। तो देखो, तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू बी सी। ठीक है, तो बी स्क्वायर देखो क्या है तुम्हारा, 5k का स्क्वायर तो 25k स्क्वायर, सी स्क्वायर 6k का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36k स्क्वायर, और ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 का 16k स्क्वायर बाई 2 इंटू बी क्या है 5k और सी क्या है 6k। ठीक है, अब थोड़ा देखो ध्यान से, 36 में 16, 20 बचेगा, माइनस कर देते हैं तो 20 और 25, 45k स्क्वायर, और यहाँ कितना है 2 इंटू 5 इंटू 6k स्क्वायर। तो k स्क्वायर कैंसिल हो गया, और 5 9 जा 45 आएगा, और 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो एक्चुअली क्या आ रहा है तुम्हारा 3/4। तो cos a का वैल्यू 3/4 आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम ना एक और किसका निकाल लेते हैं वैल्यू, सी का, कॉस सी का वैल्यू निकालते हैं। तो ठीक है, अब देखो तुम्हारा कॉस सी का वैल्यू निकालते हैं, तो कॉस सी इक्वल टू इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोसाइन फॉर्मूला से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई टू ए बी। तो ए स्क्वायर देखो अपने पास कितना है, 4k का स्क्वायर, तो 16k स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है 5k का स्क्वायर, तो 25k स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर क्या है तुम्हारा 6k का स्क्वायर, तो कितना आ रहा है 36k स्क्वायर बाई टू, ए के जगह कितना है 4k और बी के जगह कितना है 5k। ठीक है, तो देखो यहां से क्या आ रहा है, देखो यहां से क्या आ रहा है तुम्हारा कि ये दोनों प्लस करो कितना आ जा रहा है 16 और 25, 41k स्क्वायर, 41 में 36 तो कितना बचा 5k स्क्वायर, और यहाँ कितना आ रहा है 2 इंटू 4 इंटू 5k स्क्वायर। तो k स्क्वायर कैंसिल हो गया और 5 5 भी कैंसिल हो गया, क्या आ रहा है 1/8, 1/8 आया। ये तो cos c आ गया। तो क्योंकि हम लोग देख रहे थे क्या कि ऐसे दिख रहा था a का क्या है, a का साइड जो है तुम्हारा सबसे छोटा है, तो a के सामने का एंगल जो होगा वो छोटा होगा, और बी के सी का सबसे बड़ा साइड हो रहा है तो उसका एंगल सबसे बड़ा होगा। ऐसे भी देख लो तुम, ऐसे देख सकते हो तुम यहाँ पे कि मेरा कॉस सी क्या आ रहा है 1/8 आ रहा है, और ये क्या आ रहा है 3/4 आ रहा है। तो कॉस जो है हम चेक कर लेते हैं कि भैया कॉस सी क्या होता है, तो हम लोग लिख लेते हैं, देखते हैं कॉस ए का, तो 9। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि कॉस ए है हमारे पास, तो इसका डबल कर लेते हैं, बोल रहा है ना कि वन एंगल जो है वो डबल है। ठीक है, तो कॉस 2a, तो कॉस 2a का फॉर्मूला क्या आ जाता है, हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर a, तो कॉस कितना है तुम्हारा 3/4, तो कॉस स्क्वायर a क्या हो जाएगा 3 3 9 बाय 16 माइनस 1, और ये कितना आ रहा है, एलसीएम ले लो 16, तो 18 माइनस 16। ठीक है,
तो क्या आ रहा है तुम्हारा 2/16, तो 2/16 कितना आ रहा है 1/8। अच्छा 1/8 किसके बराबर है, cos c के बराबर है, तो ये हम लोग कर सकते हैं, ये क्या है cos c। तो देखो क्या आया तुम्हारा, तो दिस इंप्लाइज cos 2a जो है cos c के बराबर आ गया, इसका मतलब 2a जो है वो c के बराबर आ गया। तो हो गया ना तुम्हारा, क्या हो गया तुम्हारा कि सी जो एंगल जो है वो ए का डबल है, सी एंगल जो है वो ए का क्या है तुम्हारा डबल है। यहां से भी देख रहे थे हम लोग कि ए क्या था तुम्हारा छोटा साइड था, बी क्या था बड़ा साइड था, तो छोटा का सामने का एंगल छोटा, बड़ा का सामने का एंगल बड़ा, ठीक है। तो अभी आ गया ना सी इक्वल टू 2a, इसका मतलब एक एंगल जो है वो तुम्हारा दूसरे का डबल हो गया, दैट इज एंगल सी, ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज एंगल सी इज डबल ऑफ एंगल ए प्रो, तो एंगल सी एंगल ए का क्या हो गया तुम्हारा डबल एंगल हो गया। समझ में आ गया, नोट कर लो।